एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 13 देखिए इसमें क्या दिया है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो आपको बताना है ये एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो गया। ये जो फंक्शन गिवन है किस इंटरवल में, ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है ये आपको बताना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को और एफ डैश एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो एक्स रेस टू 100 का क्या हो जाएगा, 100 एक्स रेस टू 99। फिर उसके बाद साइन का होता है कॉज, तो प्लस कॉज एक्स हो जाएगा और माइनस वन का तो ज़ीरो हो गया। तो एफ डैश एक्स हमें ये मिला। अब हम चेक करेंगे पहला इंटरवल, यदि एक्स जो है एक्स किस रेंज में है, 0 से 1 के बीच है तो क्या होगा। यदि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ये जो है ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि x रेस टू 99 है, तो 100 x रेस टू 99 ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब ये वाला जो टर्म है, x की वैल्यू यदि 0 से 1 हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है cos ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो जो cos x है ये भी हमको ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी अभी उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा टर्म भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 से 1 के बीच जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया इस रेंज में, ये हो गया इंक्रीजिंग। तो 0 से 1 के बीच में तो हमको ये मिल रहा है इंक्रीजिंग, ठीक है। अब चेक करें पाई बाय 2 से पाई के बीच, अगर x की जो वैल्यू है वो होती है पाई बाय 2 से लेके पाई के बीच, कोई भी एक वैल्यू आप लेंगे तो जो 100 x रेस टू 99 है ये तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है सारी, तो पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा हमेशा, ये वाला टर्म, ठीक है। अब हम कॉस की बात करें, ठीक है, कॉस एक्स की बात करें तो पाई बाय 2 से पाई ये क्या है, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये जो है सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट पर कॉस नेगेटिव होता है आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब ये है ये लेस देन 0 होगा, ठीक है, यानी ये टर्म नेगेटिव में होगी, ठीक है। इसके अलावा 100 एक्स रेस टू 99 विल बी ग्रेटर देन कॉस एक्स, ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन होगी। देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू है यानी ये प्लस में है, ये माइनस में है, लेकिन ये जो है ये वैल्यू बड़ी है, तो ओवरऑल क्या आएगा आंसर, ये पॉजिटिव में ही आएगा। अगर पॉजिटिव नंबर बड़ा है, नेगेटिव नंबर छोटा है, तो माइनस करने के बाद आंसर पॉजिटिव में आएगा, इसीलिए हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन 0, और इसका मतलब क्या हो गया, इस रेंज में भी ये फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग, ठीक है। हमें लेकिन डिक्रीजिंग पता करना है, तो ए में इंक्रीजिंग है, बी में भी इंक्रीजिंग है, अब सी में देखते हैं। तो देखिए सी में क्या दिया है, एक्स का जो दिया है रेंज 0 से पाई बाय 2, यदि एक्स 0 से पाई बाय 2 है तो 100 एक्स रेस टू 99 ये तो पॉजिटिव होगा, कोई भी वैल्यू लेंगे इनके बीच की। अब रही बात कॉस की, देखिए कॉस एक्स क्या होगा, 0 से पाई बाय 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो पहला टर्म भी पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव। इसका मतलब 0 से पाई बाय 2 के बीच भी ये फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग। तो ये ए बी और सी तीनों ही केस में ये फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है, मतलब आपका आंसर होगा डी, नन ऑफ दिस, यानी इसमें से कोई भी वो रेंज नहीं दिया जिसमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा।